आशापुरा डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट्स। हे बीरा मारा थोड़ी सबर कोई कर जा तो पूरो हाथ सो कर जा तो थोड़ी सबर कोई कर जातो बुरो हाथ सो टल जातो। अब सबर कणी कणी नी की नी और कई कई हादसा होया बतायो। की रीस मेरा वण लात लगाई भक्त विभीषण छोटो भाई रीस मेरा वण लात लगाई भक्त विभीषण छोटो भाई वो लंका छोड़ कर नहीं जातो पूरो हाथ सो टल जातो वो लंका छोड़ कर नहीं जातो पूरो हाथ सो टल जातो। रीस में रावण लात लगाई भक्त विभीषण छोटो भाई। अब लंका में रावण विभीषण दो भाई पर विभीषण भगवान श्री राम को भक्त वो रावण ने सहन नहीं गयो तो रावण अपना भाई ने महल उबारे कर दियो। विभीषण जाकर के श्री राम भगवान का पास में शरण ले ली और जन समय श्री राम भगवान और रावण के बीच में युद्ध हो तो घनी कोशिश की पर रावण मरे नहीं तो विभीषण का पास में राज हो विभीषण के प्रभु रावण ने शक्ति है नाभि में जटा तक नाभि में तीर नहीं लागे ला, नाभि में बाण नहीं लागे ना जीव नहीं निकला ला। रावण ने 10 माता हाकता माता 10 माता आपने एक है जो खब जावे रोज देख लो गोली लेने टाइम पास दौड़ना पड़े। रावण ने 10 माता हा पर होच वाली शक्ति नहीं क्योंकि जाति राड ने घर में गाली सीता माता ने घर में लायो वे लकड़ के काम का भलो बुरो नहीं होच सके तो रावण के 10 माता के काम का। मंदोदरी पेलो ही तो सिया स्वयंवर व्यवहारो रावण मन में विचार की तो मारे एक घरवाली और लाऊं। राजा जनक के द्वार पे गयो अबे भगवान रूपी वो भगवान को माया रूपी वो धनुष सब धीरे धीरे ट्राई करे वो धनुष कहीं नहीं टूटे उठे ही नहीं। अब रावण भी गयो वणी धनुष नीचे हाथ गलियो हाथ वणी धनुष नीचे फंस गयो। वह खबर धीरे धीरे मंदोदरी तक पहुंची कि सुनियो मंदोदर मारा पिया को हाथ धनुष नीचे फंस गयो कि हुनियो मंदोदर मारा धनी को हाथ धनुष नीचे फंस गयो तो केवा लागी मंदोदर मारो पियो के वटे लाडू खावा गयो के पहलो यहाँ घरवाली है वटे और सिया स्वयंवर में जैन कई कीधो कि रीस में रावण लात लगाई भक्त विभीषण छोटो भाई वो लंका छोड़कर नहीं जातो तो लंका को दहन लंका को पतन नहीं वेतो। आगे बतायो हरे कौरव पांडव दोनों लड़ाई हो कौरव पांडव दोनों लड़ाई कृष्ण जस्या समझावाने आई कृष्ण जस्या समझावाने आई भाई तो याम एक समझ जातो पूरो हाथ सो टल जातो समझावाने आई दोयामु अगर एक समझ जातो तो बुरो हाथ सो टल जातो। कोई दो लड़वा वाला वे
दो लड़वा वाला वे दो ही वेंडा वे तो कोई मतलब नहीं है, कने हम जाऊं के सार नहीं है। कृष्ण भगवान कौरव पांडव ने घना समझाया पर वणायो देखियो ये गाया चराव वाला माने के हम जावे के पांच गांव वाला पांडवा ने दे दो। कृष्ण भगवान कौरव पांडव ने आपस में समझाया पर नहीं समझा, दोया मु एक समझ जातो तो बुरो हादसो टल जातो। कौरव पांडव दोनों लड़ाई कृष्ण जिसे समझावाने आए, भाई दोया मु एक समझ जातो तो बुरो हादसो टल जातो। आगे संत महात्मा फरमायो है कि प्रहलाद ने भक्ति पकाई, हिरणा उसके मन नहीं भाई, प्रहलाद ने भक्ति कमाई, कृष्ण जस्या समझावाने को पिता जने अनेक प्रकार को वरदान मिलो तो को कि वो नो न तो धरती पे मर सके, न आकाश में मर सके, न घर में मरे, न बाहर मरे, न जल में मरे, न थल में मरे, वरदान अनेक प्रकार को मिलो तो को। पर भगवान की लीला देख लो, हिरणाकुश ने घर की दहलीज पे भगवान तपियोड़ा खंबा सो प्रगटिया और हिरणाकुश को नाश कियो। अगर वो राम नाम की भक्ति में राजी भेजा दो तो या गतनी वैद्य संत महात्मा लिखियो, राजा दशरथ वन में जाए, सप्तभेदी बाण चलाए, सप्तभेदी बाण चलाए, शिकार खेलवा गया। वहीं जंगल में राजा दशरथ को वाण जो श्रवण कुमार माता पिता के पानी माता पिता ने मात्र पानी लेवा के लिए जल की जारी ले रहे हो। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलायो, वो बाण श्रवण कुमार का सीना में लागो। राजा दशरथ ने ठा पड़ी कि मारो खुद को वाण जो श्रवण, तो राजा दशरथ सो श्रवण कुमार कहने लागो, हे मामा मारा माँ बाप अने जंगल का माय ने प्यासा बैठा है, मारा माँ बाप ने आप पानी पिला दीजिए, अतरो काम मारो कर दियो। राजा दशरथ वहां जल की जारी लेकर के श्रवण कुमार का माता पिता का पास में गया। श्रवण कुमार का माता पिता मन में विचार कियो कि मारो बेटो श्रवण आ गयो, क्योंकि जुबे पग पड़े जमीन पे पत्थरी आवाज आई, सूखा सूखा पत्थरी आवाज। अब राजा दशरथ के कणी मुंडो कि श्रवण मैं नहीं हूं, श्रवण मारा हाथ मर गयो है। पर अंत में राजा दशरथ मन में विचार कियो, भेजा बात सही बतानी ठीक है, राजा दशरथ के युग में श्रवण नहीं पर श्रवण को काल जरूर हूं। श्रवण कुमार का माता पिता तड़पता हुआ रोता बिलकता कहने लगा कि हे राजा दशरथ, आज मारा बेटा का वियोग में मां जनी प्रकार तड़पा हा। राजा एक दिन थारो आवेला के थारा चार चार बेटा वेला, चार चार औलाद वेला, पर थारी मौत होला, मौत होवेला जनी समय थारा पास में एक भी नहीं रहेगा। तो अंत में संत महात्मा लिखो है,
गुरु चेतन सुन ओंकार भाई।